आज तकरीबन एक घंटा पहले खड़की रोड पे समा होटल के पास महाजन सेठ के कंपाउंड के पास बिल्कुल एक लाइनमैन बंदा जो पोल के ऊपर खड़े होकर काम कर रहा था, ऊपर उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद वो ऊपर से नीचे गिर गया और जगह पे उसकी डेथ हो गई। हम लोग बार बार बिजली कंपनी की शिकायतें कर रहे हैं। यह आदमी हेल्पर बोलकर लिया गया हुआ है। हेल्पर आदमी को लाइन पर खंभों पर चढ़ाने की क्या ज़रूरत? पहले सबसे पहला सवाल हम लोगों का बिजली कंपनी से ये कि इनके घर में 15 दिन पहले एक बच्चे का एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई और ये उनके घर का दूसरा हादसा है। उसका जिसका इंतकाल हुआ उसका भतीजा 15 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ, इनका लड़का था और अब इनका जो भाई है ये माजूर है, इनका बच्चे का इंतकाल हुआ था और अब जो हुआ है ये माजूर कैसे हुए? ये भी उसी 11000 लाइन में लगता था मेरा भाई, ये भी उसी वजह से माजूर हुए कि ये भी लाइन में ही गए थे और 15 दिन पहले इनका बच्चा जो था वो भी उसका भी इंतकाल हुआ एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से और आज इन्हीं के घर का आदमी उसका इंतकाल लाइन पर चढ़ने की वजह से हुआ। अभी हम लोगों को यहाँ पर इससे पहले पता चला कि जैसे हम लोग बिजली कंपनी में जो हेल्पर काम करते हैं उन लोगों ने हमको बताया कि 15 लाख रुपए का इन लोगों को कहा गया था कि इन लोगों से कहा गया कि हमने तुम लोगों का इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी इंश्योरेंस की पावती बिजली कंपनी ने नहीं दी। इतनी लापरवाही बिजली कंपनी की जिससे पूरा शहर परेशान है और कई मौतें हो रही है। इससे पहले एक बच्चा आप लोगों ने अपने सपने अपने चैनल के ऊपर लगाया था कि एक बच्चा जाके सिर्फ खंभे को पकड़ा था और पकड़ने की वजह से वो बच्चे की मौत हो गई थी कि करंट उसका पूरा खंभे में उतर गया था, तो वो बच्चा भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2-2.5 महीने ही हुआ था। अभी ये लाइनमैन ये आदमी हेल्पर था और इससे किस दर्जे का काम लिया जा रहा था ये अब हम लोग मुतालबा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो जाँच करे एक हेल्पर आदमी को ऊपर क्यों चढ़ाया गया। सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये अभी क्या निर्णय क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने ये फैसला लिया, इनके घर वालों ने हमसे कहा, पहले तो इन्होंने ही हमको कॉल करके यहाँ बुलाया कि आप लोग आओ यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए और जब तक के हमारे मामला हल नहीं होगा, इन लोगों का कहना है, तो यहाँ से हम लोग सिविल हॉस्पिटल से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, ऐसा इन लोगों ने मुतालबा किया है। और बिजली कंपनी के साहब लोगों को तकरीबन एक घंटा हो गया, मैं खुद कॉल किया हूँ, अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। उसके बाद मैं साहिल सर से बात किया तो साहिल सर बोल रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो अभी हम लोगों का मुतालबा पूरे शहरियान का ये रहेगा कि बिजली कंपनी जो उन लोगों ने MSEB से वादा किया था कि जितनी लाइन खराब हो चुकी है, तार खराब हो चुके हैं, पोल खराब हो चुके हैं, जो पोल रोड के ऊपर सड़क के ऊपर आते हैं ऐसे सारे पोल बदले, तार बदले, और जो जो उन लोगों ने MSEB से इन लोगों ने टाइप किया था वो मालेगांव शहर के अंदर पूरा करे, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को मालेगांव शहर में बिजली कंपनी के खिलाफ बड़ा धरना आंदोलन करना पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका? आप कौन है उनके? बड़ा भाई है मैं उसका। क्या मतलब आप फैसला आपका आखिरी फैसला क्या फैसला है जो इन लोग ने बोला कि जब तक के साहब लोग आएंगे नहीं मसले का हल करेंगे नहीं। एक भाई ऐसी पहले डैमेज हो चुका है, 8-10 साल पहले उनके वादा करे कि हम उनके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा हुआ था 4 साल पहले, मेरे को कोई सिर्फ हॉस्पिटल खर्चा करे उसके बाद 1 रुपया नहीं, सिर्फ पेमेंट चालू है और उसमें भी दुनिया भर की तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा क्यों ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे? और इसको हेल्पर बोल के लगाया गया था, इसको खंभे पे गया था चढ़ाया गया, ये जवाब होना मेरे को। ये हेल्पर था क्यों? तो मैं खुद हेल्पर में मैंने उसको लगवाया था, हेल्पर था ये। बॉडी उठाएंगे नहीं, जब तक बॉडी उठाऊंगा नहीं जब तक यहाँ साहिल सर टोटल कंपनी के लोग आते नहीं, इनको जवाब देना है मेरे को आके। जब तक ये आएंगे नहीं मैं शफीक भाई और इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं बॉडी उठाऊंगा नहीं, कोई कंप्रोमाइज करूंगा नहीं जब तक ये आएंगे नहीं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।